हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन क्या पढ़ने बेटा? विक्रम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स। उसमें मैंने आरबीएससी बुक के एग्जांपल्स पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको। मैंने बोला था कुछ एक क्वेश्चन 5.1 के भी मैं आपको लगवा दूंगा। तो उसमें बेटा 5.1 में मैंने बोला था कुछ एक आपके पास इजी क्वेश्चन थे, मैंने बोला था आप उसको प्रयास कर लेना। अब कुछ एक को मैंने बोला था कि मैं लगवा दूंगा। उसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दिया है कि यदि आव्यूह ए, कोई आव्यूह ए दिया है, उसको एफ अल्फा भी बोला हुआ है। अभी बताऊंगा कि एफ अल्फा क्या है। इसके बाद उसने बोला हुआ है कि एफ अल्फा में बेटा आपके पास दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, फिर दिया बेटा साइन अल्फा, फिर दिया बेटा कॉस अल्फा जीरो वन वन जीरो, शायद ये नहीं ये नहीं दिया होगा, जीरो जीरो वन दिया होगा, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। ये आपको दे रखा है, सही लिखा है मैंने, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, जीरो जीरो वन। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपसे बोला ए इनवर्स निकालिए, पहले तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए बोला है, फिर ज्वाइंट, इतने इसमें कई सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो वही है बेटा, आपको मेनली इस पूरे चैप्टर में ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स ही आपको निकालना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है बेटा। ए इनवर्स के लिए अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, किसी भी मैट्रिक्स का आपको ए इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। अब डिटर्मिनेंट यदि जीरो नहीं है तो आप उसका ए इनवर्स निकालोगे, यदि डिटर्मिनेंट बेटा आपको जीरो मिल गया तो आप डायरेक्ट मना कर दोगे इसका ए इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं है। तो अपन इसका क्या निकालेंगे बेटा? फर्स्ट इसका काम क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। तो डिटर्मिनेंट में चेंज कर लो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, जीरो जीरो वन, ये है। आप किसके सापेक्ष प्रसार करने वाले हो? जिसमें ज्यादा जीरो दिख जाए, आप इसके सापेक्ष या इसके सापेक्ष, किसी के सापेक्ष कर दो, C3 के सापेक्ष कर दो, C3 नहीं R3, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब R3 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो बेटा ये तो दोनों जीरो हो गए, डिटर्मिनेंट ये जीरो माइनस जीरो, ये क्या है बेटा 3 1, प्लस आएगा 3 2 माइनस आएगा, ये प्लस 1 आएगा। अब देखो कॉस, कॉस का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा बेटा? कॉस स्क्वायर अल्फा, ये देखो ये क्या बन जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखो तो डिटर्मिनेंट ए का मान क्या आ गया बेटा? एक आ गया। देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आपके कुंडली में कितना होता है? एक होता है, एक आ गया। अब क्या हो गया, चूंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा या परिभाषित होगा, ठीक है बेटा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए इनवर्स निकालने के लिए आपको जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, उनके क्या निकालने पड़ेंगे बेटा? सहखंड निकालने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर लिखोगे ए वन वन बराबर में कॉस अल्फा का सहखंड। तो सहखंड क्या होगा बेटा कॉस अल्फा का? देखो तो जल्दी जल्दी लिखना है, कॉस अल्फा क्या बनेगा? कॉस अल्फा ए क्या बन जाएगा? जीरो। तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा बेटा? कॉस अल्फा। फिर आपके पास ए वन टू इक्वल टू है माइनस साइन अल्फा का सेकंड, माइनस साइन अल्फा क्या मिलने वाला है बेटा? इसको छोड़ा क्या करना, नहीं देखो मैं गलत कर, इसको छोड़ दो, तो साइन अल्फा आएगा। देखो इसका क्या आएगा बेटा? साइन अल्फा। तो साइन अल्फा लिख दो, प्लस की माइनस वन टू है, वन थ्री कितना हो गया बेटा? जीरो। जीरो का सेकंड क्या करते हैं? जीरो क्या आएगा बेटा? ये है, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, साइन अल्फा जीरो, कॉस अल्फा जीरो, क्या मिल गया? जीरो मिल गया। इसके बाद क्या मिलेगा? ए टू वन, टू वन पे क्या है? साइन अल्फा है। साइन अल्फा क्या हो गया बेटा? साइन अल्फा का सेकंड, साइन अल्फा जल्दी से देखते हैं अपन, इसको छोड़ के माइनस साइन अल्फा जीरो का जीरो हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा टू वन, माइनस तो आएगा, ये आएगा माइनस साइन अल्फा आएगा, लेकिन 2-1 की वजह से माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा? साइन अल्फा हो गया। ये क्या हो गया बेटा? साइन अल्फा हो गया। इसके बाद अपने पास आ गया 2-2, 2-2 का मतलब हो गया कॉस अल्फा, कॉस अल्फा
की वैल्यू कितनी होगी बेटा, कॉस अल्फा देखो इधर और इधर का कॉस अल्फा, और ये तो जीरो, कॉस अल्फा टू टू है तो कॉस अल्फा ही देगा, ये अपन लिख दे कॉस अल्फा। ऐसे ही ए थ्री वन पे क्या है बेटा, ए थ्री वन पे जीरो है, जीरो का सेकंड देखते हैं अपन, तो जीरो का सेकंड क्या मिलेगा, जीरो का तो जीरो मिलेगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। ये इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा जीरो, जीरो आ गया। फिर दो तीन और बचे हुए हैं, थोड़ा सा देख लो मेरे पास की स्पेस है, थ्री वन के बाद नहीं बचेगा, चलो इधर आ जाते हैं लास्ट में। इसमें स्क्रीन शॉट आपको देख लेना, जल्दी से लेते रहना बीच बीच में, क्योंकि ये बोर्ड पे सारा इसका नहीं हो पाएगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन है। अब अपने को लिखना है ए थ्री टू बराबर में क्या मिलेगा बेटा, जीरो का सेकंड, ये कितना हो गया बेटा, जीरो का भी जीरो आने आएगा था इसमें, ये इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे, कॉस अल्फा जीरो साइन अल्फा जीरो, ये जीरो आ गया। अब अपने पास है ए थ्री थ्री इक्वल टू में वन का सेकंड, वन पे देखते हैं, ये देखो यहां से देखना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या आएगा बेटा, वन आएगा, वन लिख लो। अब क्या करना है आगे, नेक्स्ट जल्दी बोलो, माना से खंडो का वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह बी इक्वल टू में, जल्दी से इसके सेकंडों का वर्ग आव्यूह बनाओ, क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, फिर क्या है बेटा साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, फिर जीरो जीरो बनाया है। आपको क्या करना ए का जल्दी से बोलो क्या निकालना है, एडजॉइंट चाहे सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह इसको क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ क्या बनता है बेटा बी टी, मतलब बी का आप क्या निकाल दो बेटा टी निकाल दो, तो क्या मिल जाता है आपको एडजॉइंट ऑफ ए, ये बन जाएगा, इसका इनवर्स वो कर दो, ये क्या बनेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, ये क्या बन जाएगा जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको इनवर्स निकालना था, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट नहीं है केवल ए इनवर्स बोला हुआ है, ए इनवर्स होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट तो है डिटरमिनेंट कितने है बेटा, डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो बेटा वन है, तो वन लिख लो वन अपॉन वन, ये आ जाएगा अपने पास कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन, ये आपका आ गया ए इनवर्स। इसके बाद इसके पार्ट्स जो बचे हुए उसको देखते हैं क्या क्या अपने पास है। इसके पार्ट्स में बेटा ये बोला है कि आपको प्रूफ करना है ए इनवर्स इंटू ए आपका क्या आएगा आई थ्री, ये तो आएगा ही आएगा, प्रूफ करना है केवल दिखा देना। तो देखो बेटा अब कुछ है तो नहीं, मैं बार बार वही बोलता हूँ, ए इनवर्स इंटू में ए इंटू में ए इनवर्स बोला है, और क्या प्रूफ करना आपको आई थ्री, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, तो आप क्या उठाओगे ए की वैल्यू देखो तो यहाँ पर दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, फिर दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन। इसके बाद ए इनवर्स अपन यहाँ पर निकाल रखे हैं, तो ये बेटा कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाना चाहिए जो पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है ए इनवर्स। तो देखो मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पर, देखो इसका इससे होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर जीरो का जीरो मतलब केवल आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है बेटा वन होता है, यहाँ पे वन मैंने लिख दिया। इसके बाद अब इसका इसी तरह देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, पीछे क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस का है एक क्या है माइनस का गायब जीरो, और जीरो का जीरो से करोगे तो जीरो। इधर आते हैं अपन देखो कॉस अल्फा जीरो जीरो माइनस साइन अल्फा जीरो जीरो, और जीरो का वन से जीरो, ये क्या आ गया जीरो। ऐसे यहां पर आते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ऊपर देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का है, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का है जीरो, फिर जीरो का जीरो से किया जीरो आ गया। यहां पर देखते हैं
साइन अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा वन फिर जीरो का जीरो से जीरो तो क्या आ गया वन आ गया ऐसा यहाँ पर जीरो आएगा देख लेते हैं ये तो जीरो आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो जीरो अब यहाँ पाते हैं ये तो जीरो देखा ये देखो जीरो फिर जीरो फिर वन जीरो जीरो ऐसे यहाँ पर जीरो यहाँ पे आएगा वन आएगा ये किसके बराबर बेटा प्रूव हो गया आई थ्री के प्रूव हो गया ठीक है। इसके बाद उसने नेक्स्ट पार्ट में बोला है आपसे कि ए इनवर्स बराबर बोला है कि एफ माइनस अल्फा है एफ अल्फा बराबर क्या दे रखा है ये दे रखा है। अब बोला है कि ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर है एफ माइनस अल्फा है तो ए इनवर्स अपने पास कहां पर है उसको देखते हैं ए इनवर्स निकालते हैं अपन ए इनवर्स क्या है बेटा अच्छा ए इनवर्स तो ये दे रखा है यहां पर एफ माइनस अल्फा निकालता हूं क्या निकालता हूं एफ माइनस अल्फा तो देखो एफ माइनस अल्फा निकालने का प्रयास करोगे बेटा ये क्या बनेगा बेटा कॉस माइनस अल्फा ये क्या बनेगा माइनस में साइन माइनस अल्फा ये जीरो ये क्या बनेगा बेटा साइन माइनस अल्फा कॉस माइनस अल्फा ये तो जीरो 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 वन। अब ध्यान से देखो तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर कॉस माइनस को क्या करता है खा जाता है वो खा गया कॉस अल्फा साइन माइनस को बाहर फेंक दिया साइन माइनस को बाहर फेंक दिया अब पहले से ही एक माइनस लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा बेटा साइन प्लस का हो जाएगा एक माइनस साइन ने बाहर फेंक दिया एक माइनस पहले से था तो प्लस का हो गया फिर ये तो जीरो है यहाँ पर देखो ये क्या देगा बेटा माइनस साइन अल्फा देखो ये क्या देगा माइनस साइन अल्फा यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस साइन अल्फा कॉस ने माइनस को खा गया तो क्या दे देगा बेटा कॉस अल्फा ये जीरो 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 वन। अच्छा ये किसके बराबर है देखो तो ए इनवर्स के बराबर आ रहा होगा ए इनवर्स के बराबर आ रहा होगा ए इनवर्स क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन ए इनवर्स किसके बराबर आ गया बेटा एफ माइनस अल्फा के बराबर आ गया। इसके बाद उसने नेक्स्ट बोला है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालते हो तो क्या आता है डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई तो बेटा प्रूफ कर सकते हो केवल मल्टीप्लीकेशन करना है मल्टीप्लीकेशन कर दोगे आ जाएगा आपका। प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ाई है कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई आप क्या हो तो प्रूफ करके दिखा दो स्क्रीनशॉट ले लो मैं एक और कर दू इसका। अब आते हैं नेक्स्ट पे इसका बस मल्टीप्लीकेशन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो बेटा अपने पास है कहाँ गया ए निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रखा है ए दिया हुआ है देखो आप डायरेक्ट देखेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का निकाल रखा है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बी टी है ये क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन। वो क्या बोल रहा है आपको प्रूफ करना था एक थर्ड पार्ट है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई ये बोल रखा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं देखते जाओ मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा देखना ध्यान से कॉस अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा फिर प्लस का जीरो तो क्या ऊपर दे दिया वन ये यही आएगा देखना अभी शायद वही लिखा भी है क्या कॉस माइनस साइन अल्फा जीरो साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो ये दोनों यही लिखा हुआ है आएगा भी यही तो मैं टाइम ना बर्बाद करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ये आएगा यही देखो दोनों मैट्रिक्स यही दिख रहे हैं आपको ये दोनों मैट्रिक्स यही दिख रहे हैं तो यही आएगा। इसमें से क्या देखो तो वन कॉमन है पूरे मैट्रिक्स में से वन कॉमन तो है ही आपने वन कॉमन ले लिया वन कॉमन होगी तब भी वन बचेगा अरे बचेगा कि नहीं बचेगा बचेगा ये क्या होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या है बेटा आई थ्री यही प्रूफ करना था आपको शायद इसके पीछे भी प्रूफ करवाया वो सेकंड वाला पार्ट भी हाँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए मतलब बोला है ये इसके भी बराबर होता है और क्या होता है बेटा एक होता है इसको आगे पीछे भी कर दोगे जब भी आंसर क्या आता है वही आता है मतलब इस ए को आगे मल्टीप्लाई करो या ए को बाद में मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट के साथ आंसर वही आता है। अब इसको नोट कर लेना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मिलेगा देखो एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट लग गया
अब सोचो कितना टाइम लगता है। इसे सारे क्वेश्चन प्रूफ कराना बहुत बड़ी बात होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको केवल और केवल इस चैप्टर में कैलकुलेशन करना है बेटा, और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है बेटा? कैलकुलेशन करना है। धैर्य की जरूरत है इसमें। सबसे बड़ी बात क्या है बेटा? धैर्य की, धैर्य की जरूरत है इसमें। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टीचर की जरूरत पड़ जाती है इसमें। आपको कोई एक ये दिया हुआ है मैट्रिक्स 1/9, इसके बाद बोला है वो -8, 1, 4, 4, 4, 7, इसके बाद दिया 1, -8, 7, तो आपको बोला है उसने, तो सिद्ध कीजिए कि A इनवर्स और AT दोनों बराबर हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा हटके है, तो थोड़ा सा बच्चे इसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। देखो इसमें दो तरीके हैं। A इनवर्स निकालने के लिए पहले 1/9 से इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/9 से अंदर मल्टीप्लाई करके फिर A इनवर्स निकालो। या एक काम करो, कुछ टाइम के लिए आप A, ये क्या 1/9 है, इसको कोई मैट्रिक्स B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? कोई मैट्रिक्स B मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए। मान लिया आपने, अब A इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A इनवर्स। क्या करेंगे बेटा? A इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करो, दोनों पूरे तरफ इनवर्स ले लो, पूरे तरफ क्या ले लो, इनवर्स ले लो। ले लिया, लेने के बाद ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्लम, दोनों तरफ क्या ले लिया बेटा, इनवर्स ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो बन गया A इनवर्स, इधर बन जाएगा 1/9 इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, B इनवर्स। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1/9 इनवर्स, ये 9 बन जाएगा, ऊपर 9 चला जाएगा, अरे किसी घात -1, 1/2 की घात -1, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ 2। ये यही काम किया यहाँ पर। इसके बाद ये क्या बन जाएगा, B इनवर्स। इसका मतलब अब देखो, अंदर 9 से मल्टीप्लाई करते बेटा, अंदर 9 से मल्टीप्लाई करते तो फिर ये मैट्रिक्स थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता। आप इसका सारणिक निकालने का प्रयास करते, डिटरमिनेंट निकालते तो आपको काम ज्यादा करना पड़ता। ठीक है बेटा, आप क्या करोगे, पहले ये ना काम करके डायरेक्ट 1/9 से अंदर गुणा ना करके आप क्या करो, पहले ये काम कर लो। अब आपको A इनवर्स निकालने के लिए आपको किसका निकालना है, इनवर्स B का इनवर्स निकालना है। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन बेटा है, अपन B बराबर में इसको माना हुआ है, क्योंकि यहाँ B इनवर्स ला दे अपना काम हो जाएगा। तो मैट्रिक्स B को हमने क्या माना था बेटा, मैट्रिक्स B ये माना हुआ है -8, 1, 4, 4, 4, 7, -8, 7, ये हो गया। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। इसका डिटरमिनेंट भी दिमाग खराब करने वाला है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, इसको मैं भी मानूंगा। -8 क्या हो जाएगा, 28 प्लस में 36, थोड़ा सा कैलकुलेशन सारा काम गलत, 28 -7, देखो मैं ज्यादा इसमें काम करूंगा नहीं, 32 -1, इसका डायरेक्ट तुम्हें लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा अब कर लेना। इसका डिटरमिनेंट आ रहा होगा, पता नहीं इसने अलग तरीके से किया होगा, प्रॉब्लम होगा। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा बेटा, ये आ रहा है -9, सही काम किया, -8, एक माइनस, मैंने मैट्रिक्स को लग बता दिया क्या, -8, 1, 4, 4, 4, 7, 1, -8, 7, तो इस गधे ने यहाँ तो गलत उतार दिया, उधर गलत उतार दिया। देखो ये बुक वालों का ही कमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा बुक में क्वेश्चन गलत दिया है, देख लेना आप, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देना आप। ठीक है, बुक में क्वेश्चन गलत दे रखा है शायद, और इससे करेंगे तो अलग आंसर आएगा। ठीक है, शायद यहाँ पे 4 करके वो सोल्यूशन कर रहे होंगे, 4 करके किया है, अपन ये करेंगे
अब देखो कुछ करना है इसमें, आपको लग रहा होगा कठिन सा, डिटरमिनेंट निकालोगे जीरो नहीं आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करके दे रहा हूँ, बहुत बड़ा सा बन जा रहा है लेकिन कर दे रहा हूँ। माइनस आठ ये हो जाएगा आठ छः चौदह पाँच दो सात एक आठ फिफ्टी फोर, माइनस में कितना हो जाएगा बेटा ये इक्कीस। अभी पक्का है कि इसका कैलकुलेशन अजीब सा बनेगा, ये हो जाएगा माइनस थर्टी थ्री, ये हो जाएगा। आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे मल्टीप्लाई कर देना फिर प्लस माइनस कर देना। डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, जीरो तो नहीं आ रहा, जीरो तो नहीं आ रहा, तो सभी का क्या निकालोगे बेटा एडजॉइंट, सभी का क्या निकालोगे बेटा एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के बाद आपका बी इनवर्स निकल जाएगा, जो भी बी इनवर्स आएगा, जो भी बी इनवर्स आएगा तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा आप नौ, और ये जो बी इनवर्स आएगा ये क्या आएगा बेटा बी इनवर्स आएगा, ये क्या आएगा बी, नौ से गुणा कर देना, नौ से गुणा कर देना, आप दोनों को देखोगे तो दोनों क्या आएंगे बेटा बराबर आएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास और मैंने एक दो क्वेश्चन बोला हुआ बताने के लिए, फाइव के बाद ये हो जाएगा सिक्स कहाँ गया इसमें, यदि आव्यूह ए है तो सिद्ध कीजिए ए इनवर्स इक्वल टू ए थ्री, मैंने बोला था इसको कर लेना सिक्स को। सेवन में क्या बोला है आपसे, बोला है यदि हाँ, इसके सेवन के लिए मैंने हिंट भी दिया था आपको, तो इसको देख लेना आप फिर निकल जाएगा आपको। इसके एक क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर फाइव जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेवन में बेटा बोला हुआ है, आपको दिया है कोई मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए में दिया है फाइव जीरो फोर टू थ्री टू वन, इसके बाद उसने बी इनवर्स भी दे रखा है, बी इनवर्स दिया है बेटा वन थ्री थ्री वन फोर थ्री वन थ्री फोर, ये दिया हुआ है। फिर बोला उसकी ए बी इनवर्स ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए बेटा ए बी का इनवर्स बोला है। तो देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर्टीज अपने पास है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू में होता है बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, बी इनवर्स में ए इनवर्स, या ए बी का इनवर्स निकालो या बी का इनवर्स ए का इनवर्स अलग अलग निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है उस हिसाब से अपन लेफ्ट को उठाते हैं या राइट को उठाते हैं, यहाँ पर लेफ्ट को उठाना सही है कि राइट को उठाना सही है, मैंने बताया ना बुद्धिमानी किसमें है, किसको उठाऊ राइट उठाऊ या लेफ्ट उठाऊ, मेरे हिसाब से राइट उठाना सबसे समझदारी वाली बात है, क्योंकि बी इनवर्स आपको दे रखा है, ए इनवर्स मैं इससे निकाल लूंगा और अपना काम हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना ए इनवर्स, तो इसका डिटरमिनेंट में चेंज कर दो पहले, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, फाइव जीरो फोर दो तीन दो एक दो एक, अब क्या कर दो आर वन के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट ए का मान क्या आ जाएगा पांच, फिर क्या बनेगा छ माइनस दो, ये तो जीरो खत्म कर दिया, प्लस चार जीरो आते खुश हो जाना चाहिए मैथ में, दो माइनस तीन ये क्या आ गया बेटा चार, ये हो जाएगा बीस, ये क्या हो जाएगा माइनस चार, ये आ गया सोलह, जो कि जीरो के बराबर नहीं है इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या किया था हमने, ए वन वन बराबर में पांच का सेकंड, क्या निकालना बेटा सेकंड निकालना है, निकालो ये तो ऊपर लिखा होता है, मैंने पहले बताया था यदि आर वन के सापेक्ष प्रसार किया है तो ऊपर लिखा है, क्या लिखा है चार, फिर देखो ए वन टू बराबर में जीरो का सेकंड, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया था, तो कर लेते हैं दो नहीं सॉरी चार माइनस दो, चार माइनस दो दो, लेकिन ये क्या आएगा माइनस का आएगा, फिर क्या आएगा वन थ्री, वन थ्री पे क्या है बेटा चार है, इसका तो ऊपर लिखा ही होगा, माइनस एक आएगा लिख दो, वन थ्री मतलब चार प्लस का आएगा, फिर क्या बनेगा टू वन, टू वन क्या है बेटा दो का सेकंड, दो पर क्या आएगा बेटा इसको ऐसे ये जीरो माइनस चार, ये क्या है माइनस, माइनस चार यहाँ पे आ रहा, देखो माइनस चार यहाँ पे आया, यहाँ क्या आया माइनस आया, तो ये क्या बन जाएगा ऐसे हो जाएगा माइनस चार, माइनस चार ये क्या दे देगा बेटा प्लस चार, ऐसे क्या बन जाएगा एट टू वन के बाद एट टू टू, टू टू कहाँ गया थ्री, जल्दी से देखो ऊपर बोलो थ्री थ्री का दिमाग में आके बोलो, दस माइनस चार, दस माइनस चार मतलब छः, वो भी प्लस का रहेगा, एट टू थ्री, एट टू थ्री क्या बेटा टू का सेकंड,
टू थ्री मतलब हो गया यहाँ पहुंच गए तो पांच माइनस जीरो ये क्या टू थ्री ये देगा माइनस। ऐसे ही ए थ्री वन बेटा ये थ्री वन मतलब वन जल्दी से इसको देखते हैं क्या है ए थ्री वन ये है यहाँ पर तो ये गायब ये गायब ये तो हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व और थ्री वन है प्लस देगा तो माइनस ट्वेल्व ऐसे बन जाएगा ए थ्री टू ए थ्री टू मतलब वन का सेकंड बराबर में वन क्या हो जाएगा बेटा ये गायब ये गायब दस माइनस आठ दस माइनस आठ मतलब दो थ्री टू है मतलब क्या देगा आपको माइनस देगा देखो सॉरी आ गया इस पे बात को दस माइनस आठ दो वो भी थ्री टू है तो माइनस दो आएगा। अब लास्ट में क्या बचेगा ए थ्री थ्री बराबर में दो का सेकंड कितना आएगा बेटा आपको देखो तो पंद्रह माइनस जीरो तो माइनस प्लस आएगा कि माइनस आएगा प्लस आएगा तो पंद्रह हो गया। अब इसी का क्या बना लेंगे बेटा वर्गावयव क्या बना लेंगे वर्गावयव तो वर्गावयव मैं बी मान लेता हूँ वर्गावयव बी मान लिया क्या बनेगा चार माइनस दो माइनस एक चार माइनस दो माइनस एक चार छ माइनस पांच चार छ माइनस पांच एक भी अंक गलत लिख दिया तो समझो कि आपका कल्याण हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ सॉरी यहाँ पर मैंने गलत करके बी नहीं मानना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बी दे रखा है तो बी ना मानकर अपन क्या लिखेंगे कोई सी मान लेते हैं तो क्या एडजॉइंट ऑफ क्या निकाल रहे थे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी टी ये बन जाएगा चार माइनस दो माइनस एक चार छ माइनस पांच बारह माइनस दो पंद्रह। अब क्या हो जाएगा बेटा ए इनवर्स निकालना है ए इनवर्स निकालोगे तो क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था आ गया सोलह आया था चार माइनस दो माइनस एक चार छ माइनस पांच इसमें भी काम आपका ज्यादा है। अब मैं सही निकालू गलत निकालू ये भी चेक करना जरूरी है क्योंकि तो कैलकुलेशन पे अपने पे विश्वास करना देखो गलत ही कर दिया है कि हमें एडजॉइंट और इसका डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है माइनस ही क्या है क्या कर दिया मैंने पाँच जीरो चार दो तीन दो एक देखो मिस्टेक हो गया वन वन लिख दिया यहाँ पे वन टू वन है पूरी कहानी चेंज होगी इतना मेहनत किया हूँ क्लास में थे तो बच्चे बोल देते हैं कि सर आप गलत उतार रहे हो तो बेटा अब क्या करें क्या करना मुझे कुछ करना पड़ेगा तीन माइनस चार ये तो गड़बड़ हो गया पूरी कहानी ही ऐसा है कि आप चेंज करोगे मैं ही चेंज कर दे रहा हूँ आप टेंशन मत लो ये हो गया तीन माइनस चार तीन माइनस चार ये तो जीरो हो जाएगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ये आएगा इसमें चेंज क्या आएगा इसको छोड़ना है उसको छोड़ना दो माइनस दो 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 इसको इस पे देख रहे बेटा चार देखो यहाँ एक बार गलत हो जाए पूरे टाइम गलत होगा चार माइनस तीन तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस पांच यहाँ से क्या आ गया बेटा प्लस चार ये क्या आ गया माइनस एक जो कि जीरो के बराबर नहीं है थोड़ा इधर चेंज होगा मैं कर दे रहा हूँ तो इधर क्या आएगा बेटा अब आएगा ये केवल इसी में चेंज आएगा नहीं इसमें भी चेंज आएगा इस वाले में नहीं चेंज आएगा इसके लिए कोई चेंज नहीं होगा इन दोनों के चेंज होगा चलो देख लेता हूँ ए वन वन पाँच का कितना आएगा माइनस एक आएगा माइनस एक लिख दो इसका देख लेते हैं ये क्या देगा ये और ये दो माइनस दो जीरो आ रहा है दो माइनस दो जीरो आ रहा फिर डर नहीं लगा ये कितना हो जाएगा चार के लिए क्या आया चार के लिए एक आया एक प्लस या माइनस एक तीन है एक तीन मतलब क्या हो जाएगा बेटा प्लस का मान हो जाएगा ये प्लस का मान हो जाएगा। इसके बाद अब बात करेंगे दो पे ये तो खत्म ये आठ वो भी आठ प्लस है कि माइनस का देखो कहाँ गया दो है उसको हटाओ कहीं दो है माइनस आएगा माइनस आठ माइनस आठ तो आएगा लेकिन यहाँ माइनस आठ ही आएगा ये हमने कर दिया माइनस आठ। इसके बाद आपके पास हो गया ये कितना टाइम बर्बाद हो गया मेरा तीन पाँच माइनस चार एक एक आएगा वन क्या कर रहा हूँ मैं
टू वन चार हो गया, टू टू पे बात करूंगा, पांच माइनस चार एक, एक रहने दो यहाँ पर। फिर इसके बाद टू थ्री पाएगा बेटा, टू थ्री पाएगा दस माइनस जीरो, दस माइनस जीरो मतलब दस, टू थ्री माइनस दस आ जाएगा, और इनपे तो चेंज होगा नहीं, इसका तो चेंज होने वाला नहीं है। बार माइनस वाले माइनस दो माइनस पंद्रह, ये हो गया। अब इसका वर्ग आव्यूह बना लेते हैं जल्दी से। तो वर्ग आव्यूह बेटा बनाओगे तो देखो, बारह माइनस दो पे तो नहीं चेंज हुआ था, ये चेंज होंगे, इनको चेंज कर देता हूँ जल्दी से, ज्यादा चलो। माइनस एक जीरो एक, माइनस एक जीरो एक, फिर हुआ है माइनस एक माइनस आठ एक दस, ये हो गया। अब इन दोनों हटा देता हूँ मैं। इसके बाद अपने पास अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद सीटी हो गया, एडजॉइंट हो जाएगा माइनस एक जीरो एक माइनस आठ एक दस, बारह माइनस दो पंद्रह, पंद्रह हो गया बेटा। फिर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट माइनस एक आया हुआ है, माइनस एक जीरो एक माइनस आठ एक दस, बारह माइनस दो पंद्रह, तो ए इनवर्स कितना हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या बनेगा, प्लस एक आठ माइनस बारह जीरो, माइनस एक प्लस दो माइनस एक माइनस दस माइनस पंद्रह, सही चल रहा हूँ ना, हाँ ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ए बी का इनवर्स निकालना था बेटा, क्या निकालना था, ए बी का इनवर्स। आप क्या करोगे, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, बी इनवर्स आपको दे रखा है ऊपर, क्या दिया हुआ, एक तीन तीन, एक तीन तीन, एक चार तीन, एक तीन चार। अब ए इनवर्स अपने पास निकाल रहा हूँ, एक जीरो एक माइनस एक आठ माइनस एक दस माइनस ट्वेल्व दो माइनस पंद्रह, मल्टीप्लाई कर लोगे, यही आंसर हो जाएगा। अब मैंने बोला था जेई के लिए, आईआईटी की जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए नंबर बोल रखा है बेटा, जो मिस कर जा रहे हैं वो लिख लेना, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है मुझे आईआईटी के वीडियो के लिए। वो सेकंड चैनल पे पढ़ रहे हैं वो वीडियो, हिंदी मीडियम में ना डाल के केवल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इस पे अलग चैनल पे वो आईआईटी के पढ़ रहे हैं, तो इस पर आप व्हाट्सअप कर देना कि सर मुझे भी चाहिए वो वीडियो, तो मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा 8837615118। और उस चैनल पे 11th के भी वीडियो आपको पढ़ रहे हैं, तो यदि आपके छोटे भाई बहन हैं 11th 10th पास कर चुके हैं तो उनको 11th बैठने मत दो, 11th के वीडियो दिखाते रहो, तो आप उनको भी बोल सकते हो कि सर मुझे 11th की भी वीडियो चाहिए, तो मैं वो लिंक आपको 11th वाली शेयर कर दूंगा आपको। तो 11th और IIT JEE, 11th और IIT JEE के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना कि सर मुझे चाहिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद बात करूंगा नेक्स्ट पे, टाइम ज्यादा हो गया। इसके बाद मैंने 7 पे बात कर लिया बेटा, 7 के बाद कोई और कठिन सा लग रहा हो, 8 को बोला था मैं बताने के लिए। 8 के बाद आपको 9 क्या है बेटा, 9 और 10 एक जैसे हैं, तो 8 को जल्दी से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। 8 में केवल और केवल त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं बेटा, तो आप इस पे व्हाट्सअप कर देना कि सर मुझे जेई के वीडियो चाहिए आईटी के, तो मैं दे दूंगा आपको। और 11th के भी उस चैनल पे वीडियो पढ़ रहे हैं आपके पास हैं, आप शेयर कर देंगे तो आपको मैं सेंड कर दूंगा कि सर मुझे चाहिए। आपके छोटे भाई बहन हो यदि 11th 10th पास कर चुके हो, मैथ पढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो नहीं चाहते हो, एडमिशन तो बाद में होगा, पहले मैथ देख लो, हम उससे मैथ पढ़ोगे तो आसानी लगेगा, कठिन तो लगेगा नहीं, ये तो 100% है आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया, ये है आपको दिया, यदि ए दे रखा है बेटा, एक टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा और 1 ये दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है, आपका काम दे रखा है उसने ए इनवर्स इक्वल टू में, आपको सिद्ध करना है कि कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा, फिर से है अपने पास साइन टू अल्फा, फिर है कॉस टू अल्फा,
ये प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है बेटा, अभी तो अभी निकालना पड़ेगा ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखोगे एक टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा फिर वन, इसका डिटरमिनेंट निकालो। ये तो थोड़ा सा ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लगेंगे लेकिन छोटा सा दे रखा है। वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा ये किसके बराबर होता है बेटा, सेक स्क्वायर अल्फा के। ये क्या है, जीरो के नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का क्या होगा बेटा, अस्तित्व होगा। अब सभी का सेकंड लिखेंगे अपन, ए वन वन बराबर में वन का सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, वन का सेकंड जल्दी से को वन होगा। वन को छोड़ इसको छोड़ो उसको वन, फिर ए वन टू बराबर में टेन अल्फा का सेकंड कितना हो जाएगा बेटा, आ गया ये, इसको छोड़ो इसको, माइनस में आएगा लेकिन प्लस कर देगा इसको, देखो ये प्लस कर देगा, फिर बनेगा ए टू वन, टू वन क्या है बेटा माइनस टेन अल्फा, ये क्या बन जाएगा सेकंड, कितना हो जाएगा बेटा, इसको छोड़ो ये छोड़ो, ये बन जाएगा आपका टेन अल्फा। इसके बाद क्या बन जाएगा ए टू टू बराबर वन का सेकंड, सॉरी प्लस का है कि माइनस का है, माइनस का है, देखो टू वन है, गलत कर देते हैं आप, अभी वन का कितना हो जाएगा, वन ही होगा प्लस ही रहेगा। अब क्या बन जाएगा, बी मान लेते हैं बेटा, तो बी मानोगे तो क्या बनेगा, वन टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा वन। अब बोला भी था यदि टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स हो उसका एडजॉइंट निकालना हो तो इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों को आपस में बदल दिया, वन वन था कोई बात नहीं, और इन दोनों के साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये क्या कर दिया मैंने, देखो गलत कर दिया क्या यहाँ पे, इन दोनों का साइन चेंज करूंगा। अच्छा अभी तो ये मैंने बी निकाला हुआ है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ये निकालोगे ये क्या बनेगा भाई बेटा, बी टी, बी टी बनेगा, तो बी टी में क्या हो जाएगा, वन टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा, अब चेंज हो चुका है, ध्यान नहीं दिया था, ये एडजॉइंट अब निकला हुआ है अपना, ये बन गया बेटा, देखो तो बोला था ना इन दोनों को चेंज करो, ये तो चेंज हुए पता नहीं चला, इन दोनों के साइन बदल देने, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, इक्वल चेक करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में सब कुछ करना है आपको। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट सॉरी ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक बटे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, बन गया था अपने पास, चाहो तो सेक स्क्वायर अल्फा रखो चाहे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा ही रहने देना, ये हो गया। फिर क्या बन गया, ये अंदर क्या है बेटा, एक माइनस टेन अल्फा, एक माइनस टेन अल्फा, फिर क्या बेटा टेन अल्फा एक, टेन अल्फा एक, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना, एटी इंटू में ए इनवर्स, एटी इंटू में ए इनवर्स, एटी निकाल लेते हैं अपन, अभी क्या निकालना पड़ेगा, एटी, एटी में तो कुछ करना ही नहीं है, ये क्या बन जाएगा एक टेन अल्फा, फिर क्या बनेगा माइनस टेन अल्फा फिर वन। अब आपको क्या निकालना है, एटी इंटू में ए इनवर्स, आप एटी लिख दो, एटी कहा गया ये है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बेटा, इसका इसका क्या ले लिया, एटी, एटी इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, एटी क्या है वन माइनस टेन अल्फा वन। अब ये जो है इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपन बाद में उधर लिख देंगे, वन माइनस टेन अल्फा वन, ये जो है इसको बाद में कर देंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये बाद में कर लेंगे। अब चलो बेटा जल्दी से करते हैं, यहाँ पर देखो एक एक ये क्या बन जाएगा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, एक माइनस टेन स्क्वायर अल्फा क्या बन गया, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये क्या बनेगा माइनस टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा, क्या दे दिया बेटा माइनस टू टेन अल्फा, फिर क्या देगा इधर से आ जाओ टेन अल्फा क्या बन गया टू टेन अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और वन, ये बन जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इंटू में क्या चल रहा है वन प्लस टेन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे सभी के नीचे क्या आ जाएगा बेटा वन माइनस क्या है टेन स्क्वायर अल्फा बटे में क्या आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, देखो ध्यान से क्या चल रहा है, इसके नीचे क्या आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये क्या बनेगा माइनस टू टेन अल्फा बटे में क्या आ गया बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इधर देखो तो क्या आएगा टू टेन अल्फा बटे में वन प्लस टेन अल्फा, टू टेन अल्फा बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, फिर क्या आएगा इधर देखो तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे में क्या आ जाएगा बेटा वन प्लस
टेन स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूले सादे पता ही नहीं पता तुम्हें, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन टू थीटा, तो क्या बनेगा, सॉरी टेन टू टू थीटा नहीं कॉस टू थीटा, ये क्या बन जाएगा कॉस टू अल्फा, ये क्या बन रहा है साइन टू अल्फा, माइनस का रहने दो आगे साइन टू अल्फा, ये भी क्या बन रहा है बेटा साइन टू अल्फा, ये भी क्या बन रहा है बेटा कॉस टू अल्फा, ये प्रूव हो गया आपका राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन था, केवल इसमें क्या था त्रिकोणमिति के फॉर्मूले थे और कुछ भी नहीं था। नाइन और टेन को कर लेना, इसी टाइप का क्वेश्चन अपन एग्जाम्पल में कर चुके हैं, अपन स्क्रीनशॉट आप ले लेना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट या सारणिक के अनुप्रयोग, नेक्स्ट टॉपिक है, बाय बाय।